और सोचो कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनमें 6 महीने दिन रहते हैं और 6 महीने रात रहते हैं। थोड़ी सी एफर्ट लेके अच्छा बना लोगे ना तो आपको सारा दिन भी अच्छा गुजरेगा। ऐसे थोड़ी करते हैं सारों के सामने एक्सपोज, किसी में से काट दूंगा। वो गोभी और साग में पराठा, मतलब इसने कहा है कि यार वो ऑफिस आ रहा है, कुछ उसने ऑर्डर किया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं से ब्रांड डे ब्रांड न्यू व्लॉग, बस जल्दी से निकल रहा है ऑफिस, बहुत ज़्यादा लेट हो गया ऑलरेडी। इस टाइम हमें रास्ते में होना चाहिए था। ओके वो भी निकल रहा हूँ यार। ओके बाय, अच्छा मामा खुदा ऑफिस। मेरा बैग तो दे दो, इसको आज के दिन के लिए इधर छोड़ के जा रहे, कल से इसको भी लेके जाएंगे। ओके ओके बाय। यार ये सुबह सुबह मैं आसमान दिखाता हूँ, आई थिंक ये वाले मज़े अब ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम तक भी दिन छोटे होते जा रहे हैं और अभी तक अंधेरा है और सेम टाइम हो रहा है। अभी निकलते हैं। और सोचो कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनमें 6 महीने दिन रहते और 6 महीने रात रहती, और आई थिंक फिनलैंड उनमें से एक है। और वहाँ जाने का भी अभी तो नहीं, पर लेटर ऑन प्लान है कि वहाँ जाके भी कुछ व्लॉग्स बनाए जाएँ। तो उसको सोच के काफ़ी फैसिनेशन सी होती है कि यार रात के 12 बजे भी दिन कैसे होगा और दोपहर के 12 बजे रात कैसे हुई होगी, मतलब वो देख के एक बड़ा मज़ा आएगा। पर वो लेटर ऑन है, अभी नहीं है, अभी फ़िलहाल तो कहीं और जाने का प्लान है। अभी फ़िलहाल के लिए ऑफिस निकलते हैं। ऑफिस पहुंच गए, काफ़ी रिलैक्स सा दिन गुजरा। जब ऐसा दिन गुजर रहा होता है ना तो फिर बंदे का दिल करता है यार कोई मज़ेदार किस्म का नाश्ता करे। तो जुगाड़ लगा कि कैटल में जो है वो एग बॉयल हो रहे हैं, साथ में हम लोग तो ब्रेड टोस्ट करते हैं। एवोकाडो तो है नहीं तो उसके लिए गोकामोले सॉस लगाता है। तो गरम, ओए होए, एक तो ट्राईपॉड ने तंग किया हुआ यार। गरम 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 यार। तो टोस्ट के ऊपर गोकामोले सॉस और बॉइल्ड एग रख लिए, लेकिन हम तो फिर पाकिस्तानी है ना, अब मिर्ची नहीं डालेंगे तो कैसे गुजारा होगा। मज़ेदार किस्म का स्पाइसी वाला बन जाए और फिर अब इंग्लिश टी तो आराम से बन जाती है, लेकिन पाकिस्तानी चाय बनाने के लिए क्या क्या जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। गर्म पानी डाल के माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए रख दो, माइक्रोवेव करने के बाद चाय निकलती है तो प्रॉपर कावा बन गया होता है। अब इसको दूर डाल के दोबारा से माइक्रोवेव कर लेंगे, अपनी पाकिस्तानी चाय तैयार। मिर्ची थोड़ी सी कम है। अब सही है। देखो ब्रेकफास्ट आपके दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है, अगर उसको थोड़ी सी एफर्ट लेके अच्छा बना लोगे ना तो आपका सारा दिन भी अच्छा गुजरेगा और आपका सारा दिन मूड भी अच्छा रहेगा। ये गारंटी वाली बात है, ट्राई करके देख लो यार। पता नहीं प्रीमियर प्रो में मसला ये लैपटॉप बुरा बना गया, 3 बार क्रैश हो चुका है यार, इसलिए वो वाला व्लॉग भी लेट हो गया। वो वाला व्लॉग था अभी बड़े वाला, वो मैकबुक प्रो वाला अनबॉक्सिंग वाला व्लॉग था, और अब वो तीसरी बार मैं दोबारा से एडिट कर रहा हूँ। यार पता नहीं हो क्या रहा है, मतलब कमाल किस्म की वो पनौती चल रही है। व्लॉग एडिट तो हो गया, बस एक्सपोर्ट करना है घर जाकर, उसके बाद फटाफट अपलोड हो जाएगा और आपको मिल जाएगा आज की डेट में ही। आई एम प्रीटी श्योर कि अब तक तो आप देख भी चुके होंगे और आपको पता भी चल गया होगा कि यार वो व्लॉग इतना स्पेशल और इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। अब जल्दी से घर निकलते हैं, जल्दी से जल्दी व्लॉग अपलोड हो जाए, उसके बाद मैं सुकून कर सकता हूँ। और अभी अभी मैंने रियलाइज़ किया कि यार आज तो मैंने लंच भी नहीं किया इसी चक्करों में। ओह माय गॉड यार, किसी व्लॉग की इतनी टेंशन नहीं हुई, आज वाला व्लॉग जो था ना थोड़ा स्पेशल था, इसकी वजह से ज़्यादा टेंशन हो रही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्या हुआ, इतनी सीरियस क्यों? डांट पड़ी है मम्मा से अभी अभी। गुड इवनिंग। वो व्लॉग अपलोड नहीं हुआ यार, जल्दी करो, मुझे बहुत लेट हो रहा है यार। अस्सलाम वालेकुम। बहुत लेट हो गया व्लॉग। अरे बड़ी खुशबूएं आ रही हैं, क्या है, व्हाट इज दिस? गोभी हैं। लोग तो देखते होंगे तेरी आधी आधी पिट्ठी नजर आती है यार। ये कोई बात है करने वाली मामा, व्लॉग ऑन है। बोले गोभी बनाई है ऊपर से, और जाहिर बात है सामान उठाया हुआ था, ट्राउजर नीचे हो जाता है थोड़ा सा। ऐसे थोड़ी करते हैं सारों के सामने एक्सपोज, ये सीन वैसे काट दूंगा। ऑफिस में नहीं कर सका यार, तुम्हारे बाल डेड कट पे क्या कर रहे हैं? ऑफिस में नहीं कर सका यार, वो बहुत एक तो काम बहुत कर रहा था, 3 बार क्रैश हुआ है यार, 3 बार क्रैश हुआ है, मेरा क्या कसूर है? तो मेरा टाइम क्यों जा रहा है? आपका टाइम नहीं है, आपका मतलब आपका टाइम है, आपका टाइम है, मतलब बुबू आपका टाइम है, पर व्लॉग यार हो रहा है ना, मतलब मैं थंबनेल सॉर्टेड हो गया और व्लॉग भी एक्सपोर्ट हो रहा है यार, फाइनली अब सुकून का सांस ले सकते हैं। बूबू यार कुछ खिला दो, सुबह से मैंने लंच भी नहीं किया हुआ।
और नाश्ता मजे का किया था, नाश्ता मजे गोभी, रहने दो यार आज मैं भूख हड़ताल पे हूँ। ऑन सेकंड थॉट यार इतना भी बुरा नहीं लग रहा, मतलब बटर और वो गोभी और साथ में पराठा, मतलब ठीक है, सही है। नॉट बैड बबू, सही है, ये तो गुजारा हो जाएगा। बबू और ला दो यार, तो मजे का है। पीछे क्या कर रही है भैया? ये हाथ मुझे ना लगाना बेटा। अच्छा गंदे तरीके से क्यों खा रही है? प्रॉब्लम पिटाई खानी है बबू? एक चम्मच केचप देना अबीरा को। भवेश कैसे हो यार? वो नगेट्स नहीं बनाता अब रात को कोई, मैं मुझे भूख लगती है फिर मैं चुप करके सो जाता हूँ। यार सोने तो जा रहा हूँ मैं, एक काम करते हैं यार आज के ब्लॉग को शॉर्ट रखते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि राधा लंबी रेस का है तो फिर छोटा भी हो लेकिन ब्लॉग से हैं। कौन राधा? राधा बबू इरादे जब हैं कि यार आगे 365 डेज व्लॉग चलते जाने हैं तो फिर नींद वगैरह पूरी होगी तो आप सारे काम अच्छे से ऑपरेट कर सकोगे ना। तो अभी फिलहाल यार हाँ लास्ट वाला जो लास्ट राइड भी नींद पूरी नहीं हुई थी, अभी आज भी पूरी ना हुई ना तो फिर काम ख़राब हो जाएगा और फिर मुझे नहीं चाहिए व्लॉग लेट हो और आप लोगों को आज एक दो व्लॉग पहले वाला जो व्लॉग था मैकबुक वाला वो लेट मिला था तो और भी लेट मिले। तो फिलहाल क्या करते हैं कि आ रही थी तो तब तक के लिए जब तक शेख की कॉल आई थी कल, शेख कुछ तो उसने ऑर्डर किया है कल वाले व्लॉग में देखना, शेख ने कहा है कि यार वो ऑफिस आ रहा है कुछ उसने ऑर्डर किया है, कह रहा सरप्राइज है तेरे लिए भी। अब मैंने कहा यार बता दो, नहीं बता रहा वो अंदर से, वो हो रही है उलझन बट नींद भी बहुत आई है, मैं उसको ज़्यादा वो भी नहीं कह सकता था कि यार उससे बात निकलवा लूँ, लेकिन अब कल पता चलेगा कि वो एक्चुअली लेके क्या आया और क्या सरप्राइज है। विंग्स वैसे उसके जिस तरह के प्रॉफिट हो रहे हैं ना आजकल कुछ बड़ा ही लेगा। तो फिलहाल क्या करते हैं कि आज के लोग यहीं पेंट करते हैं, कल वाला व्लॉग मिस मत करना, कुछ सरप्राइज है कल वाले व्लॉग में। तो एज ऑलवेज तब तक के लिए जब तक के लिए अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं। आरिश वाला मिलते हैं आता माजी स्टेटिकली।